नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एंड्रा में। आज हम आ गए हैं DLF फेस 4 में और मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4 BHK के अंदर 360 स्क्वायर यार्ड की ये प्रॉपर्टी। एंड्रा का यूट्यूब चैनल क्यों फेमस है? लग्जरी प्रॉपर्टीज के लिए तो फेमस है, ये सबको पता है, लेकिन एक और खासियत है इस यूट्यूब चैनल की कि ये चैनल जो है कहते हैं आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज दिखाता है उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। जैसे कि या तो प्रॉपर्टी पार्क फेसिंग होगी, या कॉर्नर होगी, या डुप्लेक्स होगी, या ट्रिप्लेक्स होगी, या वो कम प्राइस के अंदर मिल रही होगी मार्केट से, या जो है कहते हैं सामने की फ्रंट रोड 18 मीटर की होगी, या फिर 3 साइड कॉर्नर प्रॉपर्टी होगी, या फिर सामने ग्रीन बेल्ट होगी, या फिर जो है कहते हैं मतलब कुछ ना कुछ जो है बेसिकली उसके अंदर स्पेशल होता है, तभी जो है उस वीडियो का शूट एंड्रा के ऊपर आता है। तो आज भी जो है कहते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें स्पेशल हैं जो दूसरी प्रॉपर्टी से इस प्रॉपर्टी को डिफरेंट बनाती हैं। जैसे कि सबसे पहला, इसकी अभी हम अंदर जाएंगे और इसकी सीलिंग हाइट देखेंगे तो इसकी सीलिंग हाइट है 12 फीट पे। नॉर्मली जो है कहते हैं आपने घर देखे होंगे वो 9 फीट 9.5 फीट 10 10.5 जो है मैक्सिमम मिलता है, इसकी जो सीलिंग हाइट मिलेगी वो आपको मिलेगी 12 फीट की। तो ये जो है कहते हैं जो 12 फीट की सीलिंग हाइट है उससे आपका घर जो है कहते हैं बहुत बड़ा और स्पेशियस दिखता है, जो कि जैसे आप होटल में एंट्री कर रहे हैं और आपको डबल हाइटेड जो है कहते चीज़ें मिलती हैं, तो 12 फीट की एक हाइट बहुत अच्छी हाइट आपको मिल जाती है। सेकंड, मेरा बालकनी में खड़े होकर पहला शॉट लेने का रीज़न ये था कि मैं आपको दिखा सकूं ये जो प्रॉपर्टी है उसके सामने कितनी ग्रीनरी है। सो सामने जो है कहते हैं आपकी ग्रीन बेल्ट आ जाती है, तो ये मेरा सेकंड रीज़न था। एक सीलिंग हाइट आपकी 12 फीट की हो गई, दूसरा जो है सामने ग्रीन बेल्ट हो जाती है, तीसरा जो है ये DLF फेस 4 की गेटेड कम्युनिटी प्रॉपर्टी है, यानी जो है कहते हैं गेटेड लेन जिसको चाहिए, जो गेटेड लेन की एक्सपेक्टेशंस रखता है तो उसके लिए बहुत बढ़िया जो है कहते हैं चीज़ लेके आया हूँ। सामने 12 मीटर की रोड है। एंड फोर्थ, यहाँ पर जो है कहते हैं DLF के एक्सक्लूसिव फ्लोर्स बिल्कुल मेरे सामने हैं, तो ये जो है कहते हैं एक तरह से आपकी कॉर्नर प्रॉपर्टी भी मानी जाती है, बिकॉज इसके साथ जो है कहते हैं कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, उसके साथ जो है सीधा आपकी DLF की कम्युनिटी जो है DLF के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं, तो ये एक कॉर्नर प्रॉपर्टी है। दूसरा जो है कहते हैं सामने ग्रीन बेल्ट है, पाम के ट्रीज जो है कहते हैं ऑलरेडी लगे हुए हैं। DLF ने जो है कहते हैं इस लेन को, अगर जिसने जो है कहते हैं DLF फेस 5 के अंदर क्लब ड्राइव रोड देखा हो, DLF फेस 5 के अंदर जो है देखा हो DLF ने किस तरह से जो है अपने फ्लोर्स को जो है कहते हैं अपने जो है उस लोकेशन को डेकोरेट किया है, बेसिकली उस लोकेशन को जो है कहते हैं एक आइकॉनिक जो है कहते हैं बनाया है, तो सेम वे में जो है ये लेन आने वाले टाइम के अंदर DLF बहुत ही बढ़िया कर देगा, बिकॉज उसके DLF के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की फुल कम्युनिटी जो है बिल्कुल इस फ्लोर के साथ है। सो इट्स अ कॉर्नर प्रॉपर्टी विथ 12 फीट सीलिंग हाइट एंड कहते हैं ग्रीन बेल्ट इन द फ्रंट। तो ये जो है 360 स्क्वायर यार्ड की DLF फेस 4 के अंदर 4 BHK की प्रॉपर्टी आपके लिए है। तो जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड मैं आपको मिलता हूँ प्रॉपर्टी के टूर के बाद। गाइस, टूर तो आपने इस घर का कर लिया होगा, सो आई एम श्योर कहते हैं प्रॉपर्टी भी आपको पसंद आई होगी, बिकॉज बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है।
अब आप देखिए जो है कितना जो है मतलब स्वेट हो रहा है यहाँ पर, एसी नहीं है, फैंस नहीं है, फिर भी जो है कहते हैं हम लोग मेहनत कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको कुछ अच्छी चीज़ दे सकें। तो अगर जो है कहते हैं आपको लगता है ये हार्डवर्क जो है कहते हैं मेरा आपके लिए काम आ रहा है, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अभी मैंने बात करी थी कि इस प्रॉपर्टी में जो आपको सीलिंग हाइट मिलने वाली है वो मिलने वाली है 12 फीट की। अब आप यहाँ से देखो जो है कहते हैं कंप्लीट 12 फीट की सीलिंग हाइट है, एंड 4 BHK की प्रॉपर्टी में यहाँ पर वहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कहते हैं मेरा बहुत बड़ा फॉयर एरिया आ जाता है, और फिर यहाँ पर जो है कहते हैं ये मेरा ड्राइंग एरिया आ जाता है, और इस ड्राइंग एरिया से बाहर की तरफ मैं देखता हूँ तो पूरा मुझे कंप्लीट ग्रीन नज़र आता है। अब मैं पीछे, अभी मैं कुछ और नहीं दिखाऊंगा आपको, सबसे पहले मैं आपको पीछे लेके जा रहा हूँ बालकनी में, जो हमारी रियर बालकनी है। फ्रंट बालकनी में खड़े होकर मैंने आपको आगे सब कुछ बताया था, मैं सबसे पहले आपको लेके जा रहा हूँ अपनी बैक बालकनी के अंदर, रियर बालकनी के अंदर। तो यहाँ से हम आ गए अपनी रियर बालकनी के अंदर। यहाँ से मैं आपको यहाँ पर क्यों लेके आया हूँ सबसे पहले, क्योंकि इस बालकनी का बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, ये देखो पूरा सिक्योर करा गया। पीछे जो है कहते हैं अभी प्लॉट है, पता नहीं कब बनेगा, 5 साल बाद बने, 6 साल बाद बने, तब तक के लिए पूरा ओपन रहने वाला है। सेकेंडली जो है कहते हैं बिकॉज ये कॉर्नर प्रॉपर्टी है, कॉर्नर प्रॉपर्टी DLF फेस 4 के अंदर, गेटेड लेन, बहुत बड़ी बात है ये। एंड साथ में जो है ये देखो पूरा DLF का जो है कहते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बन रहे हैं, पूरी कम्युनिटी डिज़ाइन हो चुकी है, और यहाँ पर यहाँ से बैठ के जो है कहते हैं आप पूरी कम्युनिटी का नज़ारा देख सकते हो, पूरी कम्युनिटी का जो है कहते हैं इस बेसिकली कम्युनिटी का फ़ायदा उठा सकते हो, कि आपको बिना प्रीमियम पे करे। नॉर्मली अगर आप DLF की देखोगे तो जितने भी आप देखोगे बेसिकली यहीं से देखो, पूरे रो फ्लैट हैं। सेकेंडली आपको UPVC लगा के दिया जा रहा है, ये जो है कहते हैं पूरा फुली सेमी फर्निश्ड है, और जो है कहते हैं आपको यहाँ पर एल्युमिनियम का पूरा काम करके दिया गया है, एंड उससे DLF के फ्लोर से सस्ता फ्लोर है ये, तो कितना डिफरेंस हुआ। प्लस साथ में आप उसके जितने भी जो है कहते हैं उसने ग्रीनरी क्रिएट करी, पार्क क्रिएट करा, फाउंटेन चलेंगे, हर एक चीज़ का जो है फ़ायदा यहाँ से रेयर बालकनी से आप ले सकते हो। काफ़ी बड़ी बालकनी है, तो एक अच्छा स्पेस जो है कहते हैं यहाँ पर निकाल के दिया गया है, पूरा यहाँ से चारों तरफ से जो है कहते हैं आपको कवर करके दिया गया है। ये अब यहाँ से मैं यहाँ पर आया, ये आ गया मेरा फर्स्ट बेडरूम फ्रॉम द बैक, राइट। सो ये पहला बेडरूम, पहला जो है कहते हैं मेरा बेडरूम है। अब आप देखो इसकी भी सीलिंग हाइट देखो, मतलब कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि आपको खाली ड्राइंग या फिर कहते हैं उस एरिया में फॉयर एरिया के अंदर जो है कहते हैं आपको 12 फीट की सीलिंग हाइट दी हो, यहाँ पर आपको रूम्स के अंदर भी जो है आपकी सीलिंग हाइट 12 फीट की है, जो कि बहुत ही मतलब रेयर टू रेयर मिलती है यार। आपको कहाँ मिलती कहाँ है मुझे बता दो, कौन से बिल्डर फ्लोर में मिलती है, किसी भी में नहीं मिलती। देन यहाँ पर आने के बाद आप देखो ये पूरा ड्रेसिंग एरिया जो है कहते हैं आपको बना दिया गया है, जितने भी कवर्स आप खोलोगे ये बेसिकली जो है अभी लाइट्स जो है कहते हैं इसमें LED प्रोफाइलिंग आपकी लग जाएगी सारी, बहुत ही शानदार जो है कहते हैं लगेगी ये पूरा आपका ड्रेसिंग एरिया हो गया। देन यहाँ से अगर आप आओगे, ये मेरा बाथरूम जैक्वार का जो है कहते हैं सारी बाथ फिटिंग्स लगी हुई हैं। देन ये इसको बाथ एरिया को पूरा कम्प्लीटली अलग से कर दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा जो है कहते हैं साइज़ है 360 स्क्वायर यार्ड का। नॉर्मली अगर आप DLF फेस 2 के अंदर या फिर DLF फेस 1 के अंदर 300 स्क्वायर यार्ड देते हो, तो सेम प्राइस के अंदर मैं आपको DLF फेस 4 में कॉर्नर प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, ग्रीन बेल्ट के साथ दे रहा हूँ, 12 फीट सीलिंग हाइट दे रहा हूँ, और DLF कम्युनिटी के बिल्कुल साथ में दे रहा हूँ, तो उसका एक एडवांटेज आपको अलग से दे रहा हूँ। यहाँ से हम आ गए अपने सेकंड बेडरूम के अंदर। सेकंड बेडरूम में जो है कहते हैं आपकी जितना भी ड्रेसिंग एरिया, बिकॉज यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज़ करी गई है, कहते हैं कि ड्रेसिंग एरिया अलग से बना के दे दिया गया है, जो कि नॉर्मली कम बिल्डर जो है कहते हैं नहीं देते हैं, तो यहाँ पर आपको ये ड्रेसिंग एरिया जो है कहते हैं इस रूम में भी क्रिएट करके दे दिया गया है। आपको थोड़े बहुत चेंजेस अगर आप चाहते हो कहते हैं कि अपने अकॉर्डिंगली करवाना चाहते हो तो वो आप बाद में भी करवा सकते हो, बट आपको ये वुडन फ्लोरिंग के साथ आपका सेकंड बेडरूम मिलता है। एसी जो हैं कहते हैं आपको सारे 6 AC जो हैं कहते हैं घर में लगा के दिए जाएंगे, और देन ये हमारा आगे बाथरूम। सो अटैच बाथरूम जो है कहते हैं 4 BHK में अटैच, कहते हैं 4 BHK है तो 4 बेडरूम, 4 अटैच वॉशरूम्स, प्लस इसके अलावा एक पाउडर रूम भी है जो आपको ड्राइंग एरिया के साथ में मिलता है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देन हम अभी एंटर कर रहे हैं अपने थर्ड बेडरूम के अंदर। सो ये भी जो है कहते हैं रूम देखो कि आप काफ़ी स्पेशियस बड़ा रूम है आपका, अगेन जो है कहते हैं सीलिंग हाइट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस ब्यूटीफुल फ्लोर। देन यहाँ पर भी जो है कहते हैं आपका अटैच वॉशरूम है। नॉर्मली जो आप देखोगे बेसिकली बनावट जो है बिल्डर फ्लोर की ऑलमोस्ट सेम रहती है, हर एक जो है कहते हैं कमरे की एक वॉल जो है डिफरेंट कर दी जाती है, उसको यूनिक जो है कहते हैं बना दिया जाता है, बट अदरवाइज जो है कहते हैं मोर और लेस जो है कहते हैं सेम दिखता है, हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो आपको लेआउट पसंद आता है आप उसको चूज़ कर लेते हो।
बट अगेन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत बढ़िया है, जिस बिल्डर ने बनाया है उसको अपने रहने के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि नीचे जो है कहते हैं अपर ग्राउंड में वो खुद रहने वाले हैं। तो ये चीज़ जो है कहते हैं बड़ी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब बिल्डर यहाँ पर रहता है तो आपको कल को आने वाली मुसीबतों से खुद परेशानी नहीं लेनी पड़ती है। आप हमेशा जो है कहते हैं बिल्डर से जाके बात कर सकते हो और समझ सकते हो जो भी जो है कहते हैं आपको समझना है फ्लोर के अंदर आने वाले किसी भी टाइम के अंदर। देन मैं बात कर रहा था आपकी यहाँ पर पाउडर रूम, पाउडर रूम जो है कहते हैं आपको अलग से दे दिया गया है, तो 360 स्क्वायर यार्ड का है तो स्पेस तो बट ऑबेस है, काफ़ी बड़ा स्पेस है, तो पाउडर रूम तो आपका निकलेगा। देन ये हमारा आ गया फोर्थ फ्लोर, यहाँ पर जो है सो बेसिकली दो रूम में आपको जो है कितने वुडन फ्लोरिंग करके दी गई है। अगेन दिस रूम इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशियस, वेरी ह्यूज, और जो है यहाँ पर दोनों साइड जो है कहते हैं आपकी अलमीराज आपको दे दी गई हैं आपके स्टोरेज के लिए। देन ये जो है कहते हैं मेरा अटैच वॉशरूम, सो अगेन द वॉशरूम इज ऑफ अ गुड साइज। तो आपको 4 BHK की प्रॉपर्टी डी एल एफ फेस 4 के अंदर 360 स्क्वायर यार्ड, एंड सबसे बड़ी बात जो है नॉर्मली आजकल बिल्डर मिस कर जाते हैं वो है कि मंदिर भी जो है कहते हैं आपको यहाँ पर मंदिर का स्पेस जो है कहते हैं आपको छोड़ दिया गया है। आप यहाँ पर बहुत ही प्यारा छोटा सा मंदिर क्रिएट कर सकते हो, तो मंदिर का स्पेस जो है कहते हैं आपको यहाँ पर निकल के आता है। अगेन ये मेरा जो है कहते हैं ड्राइंग रूम है, एंड ड्राइंग रूम के साथ जो है कहते हैं यहाँ पर मेरी आगे किचन। सो किचन अगर आप देखोगे बहुत अच्छा लेआउट लगा मुझे किचन का, ओपन किचन है, अच्छी जो है स्पेशियस किचन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी बड़ा स्पेस आपका निकल आया था। ये हमारा डबल डोर का जो है कहते हैं रेफ्रिजरेटर आ जाएगा, यहाँ आपके माइक्रोवेव आ जाएगा, ओटीजी आ जाएगा, देन जो है चिमनी होब ऑलरेडी लगा हुआ है फाइबर का, देन उसके बाद आपका यहाँ पर जो है कहते हैं आपका ये टॉप दे दिया गया है, सारे के सारे जो हैं कहते हैं मतलब हर एक चीज़ जो है अच्छी बिल्टअप क्वालिटी बनाई गई है, तो आपको सब कुछ दिख रहा होगा। अगेन जो है कहते हैं इट इज़ यू नो आप अभी ये चीज़ देखिए जो है बहुत रोशनी है सामने से, जो है कहते हैं काफ़ी अच्छी रोशनी निकल के आ रही है। तो आपके किचन के अंदर बिना लाइट जलाए भी जो है कहते हैं काफ़ी अच्छी रोशनी जो है कहते हैं आपको मिलेगी, और जो है कहते हैं हवा पानी आपका बेसिकली रुकने वाला नहीं है। तो कंप्लीट ग्लास फसाड है, स्टेयर्स में भी जो है कहते हैं बिकॉज ऑफ द कॉर्नर प्रॉपर्टी बीच में जो है पूरा ग्लास फसाड लगा के दिया जा रहा है। तो DLF की इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी के साथ जो है कहते हैं आपको ये 360 स्क्वायर यार्ड की ये 4 BHK की प्रॉपर्टी मैं लेके आया हूँ। अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आई है और आप विजिट करना चाहते हो, बिकॉज इस प्रॉपर्टी का मैंडेट है मेरे पास, तो इसलिए जो है कहते हैं मैंने बहुत ही खुल के जो है कहते हैं आपको सामने ये साथ में दिखा दिया है DLF का जो है कम्युनिटी, तो मैंडेट है मेरे पास। और अगर आप इस प्रॉपर्टी में विजिट करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, या फिर जो है कहते हैं सिर्फ देखना चाहते हो, तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए होंगे, आप जल्दी से कॉल करें उस नंबर पर। और अदरवाइज ऑल्सो अगर आप गुड़गांव के अंदर कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो 200 गज, 250 गज, 270 गज, 300, 360, 400, 500 जो है कहते हैं चाहे प्लॉट देख रहे हो चाहे फ्लोर देख रहे हो, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आप गुड़गांव से ही हैं यहाँ पर रहते हैं, एंड अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, तब भी आप मुझे कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का क्या प्राइस हो सकता है और किस प्राइस के अंदर आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है। तो ये जो है कहते हैं एंडर की खासियत है कि वो सिर्फ लग्जरी प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाता, वो उन प्रॉपर्टीज़ को भी दिखाता है जो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली डिफरेंट होती हैं दूसरी प्रॉपर्टीज से, और अच्छे प्राइस पे जो है कहते हैं आपको डील करवा के देता है। तो जल्दी से कॉल करो और बुक करो अपने अपॉइंटमेंट को। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।